सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकेत, आप देख रहे हो मूवीज़ीन और आज हम बात करने वाले हैं मॉर्टल कॉम्बैट फिल्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली ये फिल्म रिलीज़ हो गई है जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है। हिंदी डब थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा बुरा है क्योंकि आज के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, बट ओवरऑल देखने में आपको मज़ा ही आता है। बहुत अच्छा हिंदी डब किया है यहाँ पे, ऐसा बोलना चाहूँगा मैं। और साथ ही साथ मॉर्टल कॉम्बैट का अब तक के मूवीज़ में जितने भी हमारे सारे डाउट्स थे और जितने भी कंसर्न्स थे कि भाई ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, ये दिखा देते तो मज़ा आ जाता, वो दिख जाता तो मज़ा आ जाता, तो वो जितने भी आपको लग रहे थे ना पुराने मूवीज़ में, वो सारे के सारे इस मूवी में क्लियर किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ इसका VFX भी बहुत ही ऑसम रहा है। साथ ही साथ इसके पावर्स जो दिखाने की स्टाइल है, जो चीज़ें है, वो गेम के पॉइंट ऑफ व्यू में ही रखी गई है, जो कि जितने भी मॉर्टल कॉम्बैट के फैन हैं उनको तो बेहद पसंद ही आएगी ये मूवी। तो चलिए आज हम जानते हैं मॉर्टल कॉम्बैट पूरा का पूरा मूवी का रिव्यू, तो लेट्स बिगिन। दोस्तों आपको स्टोरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आइडिया होगा, पता होगा, आपने 90s के दशक में मॉर्टल कॉम्बैट गेम भी खेला होगा, वो पुरानी ज़माने की मूवी भी देखी होगी जिसमें बहुत सारे कॉमेडी और फनी वे में उन लोगों ने सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की थी। वो एक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी जहाँ पर प्लॉट वगैरह अच्छा था। बट मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि भाई जो भी अभी गेम के ऊपर मूवीज़ आ रही है ना, वो इतनी ज़्यादा वर्थ नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही खतरनाक वाला फैक्ट है दोस्तों कि जितने भी लोग मूवीज़ के बनाते जा रहे हैं, गेम को मूवीज़ में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, उसमें मज़ा नहीं आ रहा है दोस्तों। ये फैक्ट है, ये आप लिख के ले लो। आप मॉर्टल कॉम्बैट गेम खेलते हो, आप मॉर्टल कॉम्बैट की मूवीज़ देखते हो, आपको पसंद आती है मूवीज़, बट अगर आप गेम से रिलेटेड करोगे या फिर गेम के बारे में सोच के उसके बाद मूवीज़ देखोगे, वो स्टोरी लाइन, वो चीज़ें, वो कैरेक्टर का डेवलपमेंट और वो जब मिसिंग रहता है ना, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें इधर उधर हो ही जाती है, तो वो ज़्यादा हमें दुख पहुंचाती है। एज अ मॉर्टल कॉम्बैट फैन के हिसाब से अगर मैं बोलना चाहूँ तो इस फिल्म में, जो कि ये 2021 की फिल्म अभी रिलीज़ हुई है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस फिल्म में एक्चुअल में डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा मिसिंग है दोस्तों। कैरेक्टर्स के बारे में कुछ अता पता नहीं है, बस आते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं और वो मॉर्टल कॉम्बैट वाली चीज़ें होते जा रही है। अब आप बोलोगे कि गेम में भी हम ऐसा ही खेलते हैं, लेकिन दोस्तों वो गेम है जहाँ पे हमें एक अलग स्टोरी लाइन बीच बीच में फॉलो होते हुए नज़र आती है, जिसको हमें पढ़ने के बाद बहुत सारा अंदाज़ा आ ही जाता है, उस कैरेक्टर का अंदाज़ा आ जाता है, उस कैरेक्टर के बारे में हम जानने लगते हैं, उसके साथ लगाव जुड़ाव वो सारी चीज़ें होती है, जो कि इस फिल्म में मिसिंग है। पहले पुराने वाले फिल्म में थी, लेकिन उस फिल्म में VFX मिसिंग था, तो इस फिल्म में VFX डाला है, जैसे कैरेक्टर्स प्लेस किए गए हैं, जैसे मॉर्टल कॉम्बैट गेम में खेलने को मिलते हैं, उन्हीं हिसाब से पावर्स दी गई है, लेकिन दोस्तों वो एक जो प्लॉट वाली चीज़ है वो इस फिल्म से मिसिंग है। इसी वजह से मैं कहना चाहूँगा कि आने वाली कोई भी मूवी हो जो कि गेम से रिलेटेड होगी, जैसे कि लास्ट ऑफ अस पे भी एक मूवी आने वाली है या सीरीज़ आने वाली है, साथ ही साथ अनचार्टेड पे भी मूवी आने वाली है जो कि इस साल देखने को मिलने वाली थी, वो अगले साल में पोस्टपोन हो गई है, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि वो जो गेम का एसेंस है ना, वो हमें मूवी में देखने को मिलता है। अब तक मुझे किसी मूवी में नहीं मिला, सारे मूवीज ने निराशी किया है जो कि गेम के एडेप्टेशन करके सीधा का सीधा मूवी के अंदर ठूस देते हैं। इतना अच्छा नहीं लगता दोस्तों, बहुत ही बोरिंग सी चीज़ें होते रहती है और बस एक्शंस हो रहे हैं, और फास्ट स्पेसिंग में अगर मूवी रख दिया आपने और आप एक्शंस देख लो और ख़त्म हो जाए मूवी, ऐसा तो नहीं है ना कि हम फास्ट एंड फ्यूरियस का हॉब्स एंड शॉ मूवी देख रहे हैं या फास्ट एंड फ्यूरियस की कोई मूवी देख रहे हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, तो उन्होंने एक्शन दिखा दी तो हम खुश हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, इस मॉर्टल कॉम्बैट के वर्ल्ड में हमें सारी चीज़ें पहले से पता है, जैसे बहुत सारे रिल्म्स होते हैं, बहुत सारी दुनियाएँ होती है जो कि आने के बाद एक मॉर्टल कॉम्बैट का गेम होता है, जिस गेम के बाद जो जीतता है उसी के अंदर वो एक्चुअल में समा लेता है सामने वाली टीम का पूरा राज्य, वो साम्राज्य उसके अंदर मर्ज कर लेते हैं। यही सिंपल सी कहानी है, लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम है, यानी मूवी मेकर्स को क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है मूवी से कि भाई गेम की एडेप्टेशन एज इट इज़ क्यों नहीं डाल पा रहे हो आप, क्या दिक्कत आ रही है मुझे नहीं समझ में आता दोस्तों। बट अगर आपको मूवी बनाना ही है गेम पे, तो कुछ अच्छा और ढंग का अगर क्रिएटिव वे में बनाते हो तो डेफिनेटली आपको पसंद ही आती है। क्यों लोग अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, नॉवेल से उठा रहे हैं, कोई कॉमिक से उठा रहा है, कोई कहाँ से उठा रहा है, मूवी कहीं ना कहीं से तो वो लोग बिल्ड करवा लेते हैं। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट तो कहीं कहीं पे अभी दूर तक देखने को नहीं मिलता है। बॉलीवुड की बात की जाए तो वो रीमेक्स बना रहे हैं, वहाँ पे हॉलीवुड की बात की जाए तो वो गेम के अडेप्टेशन लेके आते हैं, कोई पुराना नॉवेल उठा के लेके आते हैं, उसमें से स्टोरी चिपका देते हैं। बट अगर वो स्टोरी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे सामने अगर आएगी,
तो डेफिनेटली दोस्तों उसको सपोर्ट मिलना ही है और हम फैंस को वो चीज़ें अच्छी भी लगेगी। अभी पुरानी फिल्म में क्या हो रहा था मॉर्टल कॉम्बैट की, पुरानी फिल्म में कि भाई मॉर्टल कॉम्बैट की मूवी तो अच्छी चल रही है, स्टोरी लाइन भी बहुत बढ़िया है, लेकिन जो उनकी जो कॉम्बैट वाली चीज़ है वो बहुत ही वियर्ड लग रही थी, उनके पास पावर्स देखने को नहीं मिल रहे थे अच्छे खासे, वो VFX घटिया सा था, इस वजह से हम उसको हेट कर रहे थे। अब इस मूवी में उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने मॉर्टल कॉम्बैट का जो फाइट होता है वही मिसिंग है पूरे मूवी से, पहली बात। दूसरी बात, जो प्लॉट है, जिस कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो उसके सिर्फ बस ऐसे एक दो शब्द में हमें कैरेक्टर के बारे में पता चल रहा है, लेकिन उसका पास नहीं पता चल रहा है, उसके पास पावर्स कैसे आई, वो वंशज कैसे बना, वो सारी चीज़ें मिसिंग है। और ये जो दूसरा रील में आउटसाइडर वाला, ये कहाँ से आर्टअप का, इसकी क्या पुरानी डिटेल्स है, इसके पास पावर्स कैसे क्या आई, और इसके पास अगर पावर्स है पहले से इस कॉम्बैट वर्ल्ड में तो वो भी हमें देखने को नहीं मिली ढंग से। और साथ ही साथ ये जो कॉम्बैट वाले सीक्वेंसेस हैं ना दोस्तों, इनको छोड़ दिया जाए तो इस मूवी में कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं है। बस फास्ट पेसिंग में मूवी चलती है, 1 घंटा 50 मिनट की फिल्म बना के रख दी है, जिसमें आर रेटेड ब्लड वगैरह स्क्रीन शॉट्स बहुत अच्छे हैं दोस्तों। लेकिन अगर इसके साथ ही हमारे को एक प्लॉट अच्छा सा मिल जाता, क्योंकि जेम्स वॉन इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मैं इस मूवी को ऐसा ही सोच रहा था कि भाई बहुत अच्छा डिसीजन लिया होगा जेम्स वॉन ने, क्योंकि कोई भी बंदा उठा के पैसे तो नहीं डालेगा, और जेम्स वॉन बहुत ज़्यादा सोचते हैं उसके बाद ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स पे। तो उन्होंने डाल दिया है प्रोजेक्ट में पैसा, तो मुझे लगा कि भाई WB की तरफ से एक अमेजिंग वाली मॉर्टल कॉम्बैट वाली फिल्म देखने को मिलेगी। नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ मैं इस फिल्म की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर VFX छोड़ दिया जाए तो आपको कुछ देखने को ही ढंग का नहीं मिल रहा है, बस मॉर्टल कॉम्बैट के जो वो फाइट्स है जो कि एक्चुअल में कॉम्बैट के अंदर होते ही नहीं है, वो बाहर कहीं तो हो रहे हैं, चल रहे हैं, और उसे बचाने के लिए एक हीरो को बना दिया गया है, जो हीरो लास्ट में जाके उसको अपने सब जीरो को हराएगा, ऐसी ही पूरी चीज़ें और पूरी चीज़ें रखी गई है। ऊपर से वो आधे से ज़्यादा लोग जितने भी मर गए थे वो फिर से ज़िंदा होकर आएंगे मॉर्टल कॉम्बैट की इस दुनिया में, जैसे गेम में हमें देखने को मिला था। कुछ नयापन, कुछ यूनिकनेस, कुछ प्लॉट डिटेल्स, कुछ स्टोरी लाइन, कुछ कैरेक्टर का डेवलपमेंट, ये कुछ चीज़ें है ही नहीं मूवी में। इस वजह से दोस्तों बस एक फास्ट पेसिंग सी हॉब्स एंड शॉ और फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी ये मूवी बन के रह जाती है। बट वही है कि भाई उस मूवी में प्लॉट डिटेल्स नहीं है, उस मूवी में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि हमको उसके बारे में पता भी नहीं है, तो उसके बारे में हमें जानना भी नहीं है। बट इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें डाल सकते थे, एक इमोशनल टच दे सकते थे, बहुत सारे अच्छे कॉम्बैट सीक्वेंसेस डाल सकते थे, बट नहीं, WB ने ये फिर से वही चीज़ की है दोस्तों, जो कि कुछ साल पहले किया था मॉर्टल कॉम्बैट का मूवी रिलीज़ करके, अब उसका रीबूट वर्जन जो बनाया है वो अच्छा बनाया है थोड़ा बहुत, लोगों को कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मेरे हिसाब से अगर बोलना चाहूँगा तो भाई ठीक है यार, वो जो चीज़ें उस मूवी में मिसिंग थी वो इस मूवी में देखने को मिली, इस मूवी में जो मिसिंग है वो उस मूवी में देख लो, यानी घुमा फिरा के दो मूवीज़ देखनी ही देखनी है। और हाँ, वो बोल रहे हैं कि ट्रायोलॉजी भी काम करेंगे, या फिर 4 पार्ट्स और आने वाले और 3 पार्ट्स आने वाले हैं, जिस वे में सब जीरो वाले एक्टर ने हम कंफर्म कर दिया था कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं, अगर ये मूवी अच्छी चलती है तो आगे हमें इस वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। बट दोस्तों, अगर पहली मूवी अगर ऐसी हो जिसमें डेवलपमेंट नहीं, जिसमें कुछ चीज़ें नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि आगे के मूवीज़ में देखना पसंद करूँगा। हाँ, फाइट सीक्वेंस के लिए डेफिनेटली, VFX के लिए 100% बहुत ही अमेजिंग है। कुछ भी कुछ VFX थोड़े फेक्स लगते हैं, लेकिन वो भी ठीक है, वो चल जाता है, वो दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि VFX थोड़ा बहुत भी कम रहेगा, एकदम वर्स्ट नहीं, कम रहेगा तो चल जाता है। बट दोस्तों, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है और जिस कैरेक्टर्स को हमारे साथ लगा हुआ है, हम जुड़ जाते हैं उस कैरेक्टर्स में, जो गेम खेलते वक्त हमें जानने को और महसूस करने को मिलता है, वो जब मूवी से मिसिंग होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है। मैं बहुत ही हार्डकोर फैन हूँ पूरा का पूरा मॉर्टल कॉम्बैट का, मेरा दोस्त रोहित, उसके साथ हम लोग खेलते थे एक्चुअल में, वो अभी भी ये वीडियो देख रहा रहेगा तो वो इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देगा कि हाँ, हम दोनों ने खेली है। बहुत अच्छे गेम्स थे, PS2 पे हम लोग खेलते थे, मज़ा आता था उन गेम को खेलते वक्त, बट मूवी को देखने के बाद बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है दोस्तों। अगर फाइट सीक्वेंस देखना है तो यार मैं ये मूवी क्यों देखूँ, दूसरी कोई R-rated मूवी क्यों ना देखूँ, यही रिश्तों रीज़न है इस मूवी का रिव्यू पूरा का पूरा बर्बाद करने वाला, जो कि इस मूवी को आप देखना चाहते हो 100% देखो VFX पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मॉर्टल कॉम्बैट के आप ज़्यादातर फैंस हो और आपने ये चीज़ें पहले देखी नहीं है, वो आपको देखने को मिल जाएगी, जिस वे में इस फिल्म के ट्रेलर में भी हमें जानकारी मिली जाती है। फाइट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मॉर्टल कॉम्बैट वर्ल्ड को हमारे सामने ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सकते थे, नहीं किया। अभी आगे आने वाले पार्ट्स में कब करेंगे, नहीं करेंगे, कितने साल बाद वो मूवी आएगी, ये कुछ भी पता नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों बस यही है मेरा मॉर्टल कॉम्बैट का रिव्यू,
कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है मूवी। जी हाँ दोस्तों, मैं इस फिल्म को रेट करूंगा आउट ऑफ 3 स्टार। 3 स्टार सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, इसका VFX, इसका फास्ट पेसिंग होना और इसके एक्शन सीन्स। बस इसके ऊपर 2 स्टार अगर कटेंगे तो वो सिर्फ प्लॉट और स्टोरी लाइन के लिए ही कटेंगे, जो कि एकदम ही वर्स्ट रख दिए है इस मूवी के अंदर। दोस्तों बस यही है मेरा मॉर्टल कॉम्बैक का रिव्यू। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। लाइक कर देना इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आए तो शेयर कर देना अपने मॉर्टल कॉम्बैक फैंस के साथ। जो लोग मुझसे इस टॉपिक पे एग्री करते हैं नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं करते हो एग्री तो वो भी कमेंट कर दो कि भाई नहीं तेरी ये बात गलत है, वो बात गलत है, वो भी कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, मुझे ये लगता है कि भाई हॉलीवुड ने अभी वो बंद कर देना चाहिए कि गेम की अडेप्टेशन मूवी में लाना बंद कर देना चाहिए। उनसे नहीं होता, छोड़ दो, अच्छी चीज़ें लाओ, अच्छी स्क्रिप्ट लाओ, अच्छे मूवीज़ बनाओ, हम लोग देखेंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे। ऐसा ही नहीं कि बॉलीवुड में भी हम घटिया ही बोलते हैं तो हॉलीवुड को अच्छा ही बोलेंगे। नहीं दोस्तों, जहाँ पे वो ऐसी चीज़ें करेंगे वहाँ पे वो ये लोग तो मार खाएंगे ही खाएंगे। तो बस यही है पूरा रिव्यू। तो सब्सक्राइब भी कर लेना मूवीज़ इन चैनल को, क्योंकि आए दिन हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स और ऐसे ही घटिया से मूवीज़ देखते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ इन।